एबी डिविलियर्स ने चलती कार पर मारा जोरदार छक्का। आईपीएल 2020 के 13वें सीजन 28वें मुकाबले में रॉयल चैलेंज बेंगलोर के कोलकाता नाइट राइडर्स और केकेआर के खिलाफ देखने को मिला और आरसीबी ने धूल चटा दी। आरसीबी के लिए जीत के लिए बड़े एबी डिविलियर्स, जी हां, मुकाबले में डिविलियर्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 73 रनों की धुआंधार पारी खेली। इस पारी के बाद एबी डिविलियर्स ने शाहजहां मैदान पर चारों ओर चौके छक्के जड़े और इस दौरान एबी डिविलियर्स ने एक ऐसा सिक्स लगाया जो मैदान के बाहर सड़क पर चलती कार पर जा लगी। गौरतलब यह है कि एबी डिविलियर्स केकेआर के खिलाफ खेलते हुए अपने आईपीएल करियर के 36वां अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले एबी डिविलियर्स के बल्ले पर एक अद्भुत छक्का उस समय आया जब कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से पारी में 16वां ओवर में गेंदबाजी करने आए कमलेश नागरकोटी। इस ओवर में तीसरे गेंद पर डिविलियर्स ने जोरदार छक्का जड़ा जहां शाहजहां के मैदान के बाहर चला गया, जिसके बाद गेंद सड़क पर चलती हुई कार पर जा टकरा गई। वीडियो देखने के लिए इसी के साथ डिविलियर्स के बल्ले से निकले लंबे छक्के की बौछार की तरह एबी डिविलियर्स के छक्के की लंबाई लगभग 86 मीटर रही। सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा पसंद किया जा रहा है।